सिटी भारत को स्वागत करछि मुनि वेदिता बुलेटिन आरंभ करबा वर्तमान रो हेडलाइंस रो मिरट रे मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय रो शिलान्यास कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 700 कोटी टंका व्यय रे निर्मित निर्माण हेबो विश्व रो सर्वोत्तम क्रीडा विश्वविद्यालय देशर खेलाड़ी मानंकु मिलिबो विश्व स्तर रे मान्यता राज्य में चिंता बढ़ाला ओमिक्रॉन आज दिनक सर्वाधिक 23 आक्रांत चिन्हट आईएलएस पक्ष राज्य स्वास्थ्य विभाग को सूचना ओडिशा रे ओमिक्रॉन पॉजिटिव संख्या 37 को कालीठू किशोर को टीकाकरण दिनक 3,15,416 जनकर पंजीकरण ओडिशा रे मासे मध्यरे प्रथम डोज शेष करने को टार्गेट शिक्षक माने सहयोग करने को स्वास्थ्य विभाग परामर्श वैष्णोदेवी पीठ से दोलाचकटा जो 12 जन मृत्यु घटना पीड़ितों सहायता राशि घोषणा कले प्रधानमंत्री मृत व्यक्ति संपर्क को मिल 2,00,000 टंका हतों को दिजिव 50,000 टंका सहायता जम्मू काश्मीर करीना सेक्टर पाकिस्तान अनुप्रवेश उद्यम पंड सेना गुड़े जड़े पाकिस्तान सैनिक निहत मृतदेह ने पाकिस्तान को जनला भारतीय सेना एवं बिना टाइपिंग ने टाइप हे मनर भावना आपे आपे टाइप हो सेंड हो मेसेज असंभव संभव कर देखाइले ऑस्ट्रेलिया रो फिलिप ओकेफ केवल चिंता करी वार्ता पठाइबारे हेले दुनिया रो प्रथम व्यक्ति दिनकु दिन टेंशन देउछि ओमिक्रॉन राज्य रे चिंता बढ़ाइलाणी ओमिक्रॉन गत 24 घंटा रे सर्वाधिक 23 ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होइछंती आईएलएस पक्षरु राज्य स्वास्थ्य विभाग को दिया जाइछि सूचना राज्य रे मोट आक्रांत संख्या 37 रे पहुंचिछि परीक्षा होइतबा 39 सैंपल रो 23 टी ओमिक्रॉन चिन्हट होइछंती सेमानक मध्यरु 10 टी लोकल केस रहितबा बेले 11 जन फिनलैंड ओमान साउथ अरबिया दुबई ओ सीरिया फिरंता अछंती अन्य दुई जन फिनलैंड फिरंता संस्पर्श आसी ओमिक्रॉन रे आक्रांत होती सेपटे राज्य में चिन्हट प्रथम ओमिक्रॉन आक्रांत सुस्थ हो घर को फेरी डॉक्टर सुभाष साहू वरिष्ठ चिकित्सक आम सहित जोड़ डॉक्टर साहू स्वागत करुच्छे आपको अर्गस न्यूज को डॉक्टर साहू आम अनेक बार ए प्रश्न को नहीं आलोचना जदिव किंतु आज जो तथ्य सामना को आसुची ये नि चिंताजनक 23 ओमिक्रॉन आक्रांत जो चिन्हट होती आपको नहीं चिंता करतमान समय जे प्रकृत में ये भाईरस के घातक हो पाए आगामी दिन में देखो आमर जहाँ स्टडी आनालीसी सब आड़े कहते आम स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपलीसीस रिपोर्ट कहि ओमिक्रॉन एतटा घातक नुहे किंतु आम कही ना आम जिते जो 17-20% पूरा बिल्कुल मानते देना वैक्सीनेशन से मानी हुए तो घातक हो पाए कि तार से भेरिएंट देखो यही जोटा आप कहते जो 23 आज डेट्रे भावंतु जो थे जीनम सिक्वेंस जो आज डेट प्रतिदिन आप संख्या बढ़ुची आउ जीनम सिक्वेंस जार ही आप देखिले ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट किंतु सब जाक तो आम करना हुए तो आम आउरी माने गोटे डेल्टा वेरिएंट हो कि ओमिक्रॉन रो वेरिएंट कि जीनम सिक्वेंस न कला पर्यंत हुए तो आम जापर ना किंतु घातक निश्चित होली आम जी भाविबा ताहाले आम टे सजग रही पड़ो आप जोड़ा कहले लोकल केस कौठ बाहरी केमी बाहरी कि जो मैंने बाहर आंकड़ सहित संसर्शे आसी कि ना कहीं जना पड़ूना आमर एवं सबू लोक ये नुआ वर्ष बुलूं सबुआड़े मानने कौन सी प्रकार मानने कि भी कटकणा ना से ही प्रॉब्लम आमे क्रिएट करिवार मते चांस लागु छी
ओके तबे डॉक्टर साहू गोटे कथा होची जेमती आपण कहउथले जे जेनम सिक्वेन्सिंग कथा कहउथले यारे मधेरे डॉक्टर साहू जेतेबेले आपण देखंतु आजिर जदि आपण देखिबे संक्रमितन कथा देखिबे जे 37 जण जेतेबेले चिन्हट होउछंती ता मधेरे 10 जण लोकल केस रहउछंती तनो कोठना कोठी ये कम्युनिटी स्प्रेड आरंभ होय गलानी गोष्ठी संक्रमण आरंभ होय गलानी ए कथा आमे कहि परबा की देखो तो कम्युनिटी स्प्रेड रे आमे कोनोसी जिनिस एबे भी आमे कहि परबा नै काईना सरकार जेते भी टेस्ट आज पर्यंत करिछती ओनली आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव लिखि देखै छथिन सेतरे आरटीपीसीआर टेस्ट ता भितरु किछि टाकु बाहर करिकरी ओमिक्रॉन रो जीनम सिक्वेंस करिकरी सेमान ओमिक्रॉन लिखि बाहर करछथि किंतु आमे आमे केमिति जानिबा देखो तो ता भितरे जो माने टेस्ट को आसीले इवन बहुत लोग ठंडा काश ज्वर भी अच्छा से माने बिल्कुल आसुना कि टेस्ट भी करूना कि सरकार भी टेस्ट करूना आ बड़ दुख विषय जो माने भी ठंडा काश ज्वर रही से माने बहुत गहली पूर्ण माने जनगहली जगह को पल मानते किसी मत ठंडा कह पल से भितर समस्त को संक्रमण कर मत लगुच निश्चित भाव ये एमती आकार रे बढ़िबो जो थे कि आपण किछि करि परिबे नै आकु निश्चित भाबे आज नहले काल किए बढ़ी 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 माने जोटा डेल्टा वेरिएंट माने जो हमर अछि ताडू जो तीनी गुण निश्चित भाबे आ गोटे कथा मध्ये जानिबा को चाहिबो जे आपण को बळे डाक्टर एवं विशेषज्ञ को मत जहा जे ये डेल्टा थारु अधिक संक्रमित करूछि किंतु सेति के घातक नुहे जहां हमें प्रथम एवं द्वितीय रे देखि छथि तृतीय लहर संभावना आगु को रहउछि फेब्रुवारी थर्ड वीक रे आसी जाई पारे कथा आक्रमण वर्तमान समय रे करा जाउछि जे जदी एबे ठु सरकार जदी कठोर न होबे लोकों को मध्य रे जदी सचेतनता आसीबनी तबे आमे पूर्णी थरे सही स्थिति को फेरि जिबा कि जहां हमें पूर्वर सामना कर छथि प्रथम एवं द्वितीय लहर रे देखंतु दुईटा जिनिस हेठी निश्चित भाबे थर्ड वेव ऑलरेडी एंटर सेतरे कोनोसी संदेह नाही सेकंड जिनिस बड़ होउची जे आमे जे खाली ओमिक्रॉन टाकु जो देखु छथि ओमिक्रॉन वेरिएंट को हुए तो डेल्टा वेरिएंट भी थाई पारे जो डेल्टा वेरिएंट रे आपणकर आगुरु जो मानको एते घातक करथुला बहुत गुडे जीवन नेकरी पळैथिला ए माने हमर ओडिसा रो किबा भारत रो से जिनिसटा को आमे जदि आखिया करे रखिकरी जदि कटकणा को जदि न करि पारिबा माने सरकारंकर कटकणा जेतिकी होना काहे कि लोक भी निजे सचेतन हेकरी कोनोसी प्रकारे बाहर को कोनोसी लोक कासो ठंडा जर होइथिबा जागा रे किबा माने कोनो माने छोटिया बांती भी हो माने झाडा बांती भी हो पेट काटा हो किबा कोनोसी माने मुंड बथा हो कि बेक माने सब जगार से सिम्टम देखौछि सेति पई मोर कहिबा कथा जदि किछिटा भी होउछि से जगह को आमे लोकों को सचेतन करिवा बदले जो मान को होउछि ऑलरेडी ए जिंस से माने जनगहली जगह को जांदु नै आमे उल्टा गिरी तांको सचेतन करैबा निजे सचेतन होबा सहित अन्य को मध्य सचेतन कराइबा सब पर भी आम जमी सरकार कथा कहतु तो आपण मैंने समस्ते जानते सब पर भी आमको से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अवलंबन करने पड़ सामाजिक दूरता मास्क और सानिटाइजर व्यवहार करने को पड़ ये आम अनुरोध करूँ जो मैंने आमको देखुं दर्शक और राज्यवासी को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू आप जोड़े आम सहित गुरुत्वपूर्ण आलोचना करू देश में चिंता बढ़ाऊ कोरोना संक्रमण 24 घंटा रे भारत में 27,533 कोविड 19 संक्रमण चिन्हट होता बेले 284 जन आक्रांत प्राण हर 24 घंटे चिन्हट नूतन आक्रांत को मिसाई देश में समुदाय संक्रमितों संख्या 3,48,89,132 पहुंची सेपरि मोट मृत्यु संख्या 4,81,770 को वृद्धि पाई ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या वृद्धि चिंता बढ़ाई देश में समुदाय ओमिक्रॉन संक्रमण संख्या 1,525 पहुंची परवर्ती खबर को आसीबा कालीठू सारा देशरु किशोर को दियाजीव टीका दिनक 3,15,416 जन पिला टीका नेबापाई पंजीकरण करिछंती 10 कोटी पिलांको टीकाकरण दियाजीबाकु लक्ष्य करा जायछि देशर सुरक्षा पिलांको सुरक्षा पाई पंजीकरण करी टीका नेबाकु
अभिभावकों परामर्श देखती केन्द्रमंत्री किशोर को टीकाकरण गतकाली ठारु आरंभ होई स्लॉट बुकिंग 15-18 वर्ष वयस्क स्लॉट बुकिंग करी निर्धारित केन्द्र में टीका नहीं पारे कोविन पोर्टाल रजिस्ट्रेशन करेंगे छड़ा ऑन द स्पॉट टीकाकरण व्यवस्था स्वतंत्र पिला प्रस्तुत होता टीकाकरण केन्द्र में दिन सारा टीकाकरण प्रक्रिया चलो राज्य में वर्तमान 15 लाख कोवैक्सीन टीका मजबूत रही मसे मध्य आम पिला प्रथम डोज टीकाकरण शेष करने लक्ष्य रखिचु टीकाकरण प्रक्रिया को अधिक सुगम और सरल करने आज शिक्षा विभाग सह स्वास्थ्य विभाग बैठक जरिया विस्तृत आलोचना कर टीकाकरण समय रे शिक्षक माने सहयोग करने को स्वास्थ्य विभाग पक्ष शिक्षा विभाग को परामर्श दि जाइथिबा परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही सूचना देछन्ते। हाँ देखिए अभी इसके अंदर जैसे 3 तारीख से शुरू होने वाला हमारा 3 और 4 का जो है स्लॉट ऑलरेडी फुल हो चुका है। बच्चे अभी और आ रहे हैं ऑन साइट तो उनको 5 तारीख के लिए हम रजिस्टर्ड करेंगे क्योंकि दिल्ली में जो करीबन संख्या है बच्चों की 15 से 18 साल की वो 10 लाख के करीब है तो उसको हमें जल्दी से वैक्सीनेट करना होगा क्योंकि 10 तारीख से हमारा एल्डरली जो एज ग्रुप है उनके लिए भी बूस्टर डोज शुरू होना और हेल्थ केयर वर्कर के लिए भी तब उस टाइम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ हो जाएगी तो हम समझ रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हम ड्राइव को पूरा करें। हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट कर सके और अपनी कैपेसिटी को जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम और बढ़ाएं। हाँ ये कोवैक्सीन ही लगेगी जो एडल्ट्स में लगी थी उसी पे इनका ट्रायल हुआ है जो कि काफी सेफ माना गया है तो वही लगेगी और वही इनका जो गैप है 1-0 से 28 दिन का वही गैप रहेगा। हाँ जी प्राइस इसके अंदर जो एडल्ट के लिए रखा गया वही सेम है इसके अंदर चेंज नहीं है प्राइसिंग के अंदर। इसके पीछे देखिए जो मोटिव था हमारा कि जैसे अभी तो 15 से 18 साल के लिए लग रहा है और वैसे अप्रूव ऑलरेडी 12 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए हो गया पर कोवैक्सीन के लिए जब जिस तरह से इनिशियली जो डेटा सबमिट हुआ है 2 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए तो हमने इसको छोटे बच्चों के हिसाब से भी बनाया है क्योंकि जैसे जैसे एज ग्रुप पीछे जाता रहेगा अभी जैसे 15 से 18 चल रहा है फिर 12 से 18 शुरू हो जाएगा उसके बाद 6 से 18 शुरू हो जाए तो हमने उसी तरह से बनाया कि हर एक एज ग्रुप को बच्चे को कैटर कर सके और छोटे बच्चों को क्या पसंद है और बड़े बच्चों को क्या पसंद है उसी तरह से इस वैक्सीनेशन सेंटर में सभी चीजें हमने रखी गई है। हाँ मेडिकल स्टाफ की देखिए अगर बात करें तो इसमें पूरी टीम है जो स्पेसिफिकली जिनका चाइल्ड वैक्सीनेशन के अंदर जिन लोगों की एक्सपर्टीज भी है और इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे हमेशा कोई भी अगर इस तरह का कोई साइड इफेक्ट बच्चों को ऐसा कुछ फील होता है वो सब देखने के लिए क्योंकि आधा घंटा बच्चे को जब ऑब्जर्वेशन में हम रखेंगे तो वो सभी तरह की चीजें जो गाइडलाइंस है वैक्सीनेशन सेंटर्स की उन सभी चीजों का यहां पर इंतजाम किया है। बट ये है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम नहीं चाहते कि किसी तरह से पेरेंट्स में या बच्चों के अंदर उस तरह की हेजिटेंसी रहे इसीलिए ये सब चीजें किया गया है ताकि वो आगे आके बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन ड्राइव को में जो है हिस्सा लें और अभी जिस तरह से बच्चे भी आ रहे हैं वो आगे जाके अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोल रहे हैं तो ये वर्ड ऑफ माउथ काफी अच्छी कैंपेन रहेगी। कोरोना मुकाबला पाई कटकणा जारी कले पश्चिमबंग सरकार कालीठू राज्य में समस्त शिक्षानुष्ठान पार्क स्पा चिड़ियाखाना बंद रखा निर्देश 50% कर्मचारी को नहीं चलो समस्त सरकारी और बेसरकारी ऑफिस एने ट्वीट करी सूचना देखते पश्चिमबंग मुख्य शासन सचिव एचके द्विवेदी पश्चिमबंग में किसी दिन हेब कोरोना मामलें वृद्धि घटवर यार मुकबिला निष्पत्ति सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय शिलान्यास कर भारत इतिहास में मेरठ स्थान केवल सहर नुहे यह देशर संस्कृति और शक्तिर एक गुरुत्वपूर्ण केन्द्र अटे या सहित मेरठ देशर महान हॉकी तारका मेजर ध्यानचंद का जन्मस्थान तेज आज प्रधानमंत्री मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद उत्सर्गीकृत कर क्रीड़ा और क्रीड़ाविद विकास ही देशर विकास आज समय आधुनिक उत्कृष्ट खेल साधन आवश्यकता रही मिरर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मध्यम देशर खेलाड़ी मानंकु विश्वस्तर में मिल पार मान्यता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री परिकल्पनार अनुरूप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मिरठे मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय शिलान्यास कर यह अवसर में उत्तर प्रदेश युवक मान यूपी प्रथम क्रीड़ा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठापी अभिनंदन जनाई प्रधानमंत्री 700 कोटी टंका व्ययरे निर्मित होगाक जा आधुनिक दुनिया सर्वोत्तम क्रीड़ा विश्वविद्यालय मध्य एक हेबो। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को
यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ₹700 करोड़ की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में से एक होगी। यहां युवाओं को खेलों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी तो मिलेगी। ये एक करियर के लिए कैरियर के रूप में स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए जरूरी स्किल्स का निर्माण करेगी। पूर्व सरकार खेल को गुरुत्व देई नथिबारु देश रे खेल खेलाड़ी मानंकु जेपरि सम्मान मिलिबा कथा ताहा मिली पारी नाही। पूर्व सरकार केवल निजर स्वार्थ और राजनीतिर खेल रे व्यस्त रहितिले बोली कही एही अवसर रे विरोधी को टार्गेट करिछंती प्रधानमंत्री। साथियों, ये सोसीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। मिरट रे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापना प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भरशील भारत सृष्टि दिगरे आउ एक पदक्षेप। एही विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय रे सिंथेटिक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि ग्राउंड रो निर्माण करा जायछि। तेबे एठारे 540 जन महिलांक समेत 1080 जन क्रीडाविद को तालीम पई व्यवस्था रहिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। अपन देखु चंदी पॉजिटिव भारत समय को छोटो ब्रेक रा। ब्रेक पर स्वागत। टूरिज्म क्षेत्र में तालीम ने छात्र छात्री माने निकट रे जम्मू काश्मीर प्राचीन तथा उच्च कोटीर कला को पाखरु देखा सुजोग पाई। श्रीनगर ठारे अनुष्ठित होता प्राचीन काश्मीर हस्तकला को जानिबा और प्रचार प्रसार करने एपरी एक प्रयास करा जाइछि। अनेक छात्र छात्री योगदान करथिले। टूर माध्यम रे स्टूडेंट्स माने काश्मीर हस्तंत थारु आरंभ करी अनेक कलाकृति प्रस्तुति को मध्य देखा पाई। अवसर में छात्र माने अनेक मनोरंजन कार्यक्रम में मध्य अंशग्रहण करथिले। माता वैष्णोदेवी पीठ से दलाचकटा जो 12 जन मृत्यु घटना पीड़ितों पर सहायता राशि घोषणा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रिलीफ पांचि प्रदान सहायता दलाचकटार मृत्युवरण कर संपर्क को दिजा 2 लाख टंकार सहायता राशि सेपरि आहत मान 50,000 टंका लेखाएं प्रदान होने प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षर् ट्वीट कर सूचना दीजाई। शनिवार भोर समय वैष्णोदेवी पीठ से प्रबल भिड़ उपजिता बेले भक्तों दुई गोष्ठी मध्य गंडगोल होता। भिड़ नियंत्रण पर पुलिस लाठीचार्ज करने परिस्थिति अणायत्त होता। घटनार उच्चस्तरीय तदंत निर्देश देते जम्मू काश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तदंतर डिविजनाल कमिशनर और जम्मू अतिरिक्त डीजीपी समेत प्रमुख गृह सचिव नेतृत्व में एक तीनजिया कमिटी गठन हो। खेल संपर्कित खबर को काली भारत दक्षिण आफ्रिका द्वितीय टेस्ट मैच तीनटिकिया टेस्ट सीरीज रे 1-0 रे आगुआ रही भारत। द्वितीय मैच को मध्य जीती सीरीज जितने लक्ष्य रे रही विराट बाहिनी वर्तमान सुधा टेस्ट सीरीज रे 1-0 रे आगुआ रही भारत। तेज द्वितीय मैच जीती प्रथम थर पर दक्षिण आफ्रिका माटी रे टेस्ट सीरीज जितने लक्ष्य रे भारतीय दल ए मैच रे विजय हासिल करबा कैप्टेन कोहली को पाई मध्य महत्वपूर्ण रहिबो। तबे ए मैच रे विजयी होई पारिले सफल कैप्टेन लिस्ट रे आउपादे आगो को जाई परिबे कोहली। भारत पाई 67 टेस्ट मैच रे कोहली अधिनायक थिबा बळे 40 मैच रे विजयी होईछंते एवं 16 मैच रे भारत को पराजयर सामना करबाकू पडिछि। ए टेस्ट मैच रे भारत को विजयी कराइले कोहली ऑस्ट्रेलिया रो पूर्वतन अधिनायक स्टीव वॉन को
ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହେବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ସେପଟେ ଭାରତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। अधिक आलोचना करिबा आम सहित संबित महापात्र क्रीड़ा विशेषज्ञ जोड़ी होती तो महापात्र आपण को स्वागत करुच्ची अर्गस न्यूज को जो कथा आम आलोचना करिबा को जाउछंती जे कालरु जेतु भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य द्वितीय टेस्ट मैच रही कौन लगुच्छी केमती प्रदर्शन रहिबा भारत ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଯଦି ବଢେଇବି ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ରହିଛି। ଯୋଉ ଲୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗତ ଦେଢ଼ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅସଲ କ୍ରିକେଟ କୁହାଯାଏ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ, ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଢ଼ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚମତ୍କାର ଖେଳୁଛେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସିରିଜ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ବିଜୟ ଆମେ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ହରେଇଲେ, ଯୋଉଠି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିତିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆମେ 2-1 ସିରିଜରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିସାରିଛେ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚମତ୍କାର ଖେଳିଛେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ହରେଇଛେ, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ହରେଇଛେ ଭାରତରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗା ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ସଫଳତାକୁ ନେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ସେଥିରେ ଆମେ 1-0 ଆଗେଇ ରହିଛେ। ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ କଥା ହଉଛି ଏଇଠି, ଆମେ ଲୟରେ ଅଛେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ବୋଲର ମାନେ ଲୟର ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ରନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋଲର 20 ୱିକେଟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ସକାଶେ। ସେ କାମଟି ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମାନେ, ଖାସ କରି ପେସ୍ ବୋଲର ମାନେ ଲୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ଡିକକ୍ଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ, ତେଣୁ ସେଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପୁରା ଦଳ ପାଇଁ ରହିଛି 2-0 ଆଗେଇକି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଟେଷ୍ଟରେ ସିରିଜକୁ ସିଲ୍ କରିବାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଲୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପେସ୍ ବାହିନୀ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଖେଳୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ, ବୁମ୍ରା, ସାମି ଏବଂ ସିରାଜ ଆଉ ଠାକୁର, ଯୋଉ ଚାରି ଜଣ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆପଣ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି କିଏ, ଈଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ବସିଛନ୍ତି ଯେ 311 ପାଖାପାଖି ୱିକେଟ ଟେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, 150 ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ଉମେଶ ଯାଦବ ଆପଣଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏକ ସଫଳ ସମୟ ଭାରତୀୟ ପେସ୍ ବାହିନୀର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛେ, ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାର ପୁରା ନିକଟ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେ ଯୋଉ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ଯୋଉ 67 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲି ଅଧିନାୟକ ଥିବା ବେଳେ 40 ମ୍ୟାଚରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଯେତିକି ଭାରତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ, ସେଥିରେ କୌଣସିଥିରେ ସିରିଜ ଜିତିନି, ତେଣୁ କାଲିର ମ୍ୟାଚ ଗୋଟେ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିଦବ କି? କରବା ମର ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସକାଶେ, ଯେହେତୁ ଘରୋଇ ଦଳ ଘରୋଇ ମାଟିରେ 0-1 ପଛେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 0-2 ପଛେଇଥିବେ, ସିରିଜ ହାରିଥିବେ, ଘରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହାରିବା ବଡ ଅପମାନର କଥା, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରବା ମର ସ୍ଥିତି ମୁଁ କହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସକାଶେ। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ, ଆମେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ସ୍ଥିତିରେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କେଡେ କେଡେ ଅଧିନାୟକ ଭାରତର ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ 90 ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫେରିଲା ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟକୁ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ବାଦ ପରେ, ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ କିନ୍ତୁ ଜିତିପାରିନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପିଚ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଆମର ପେସ୍ ବୋଲର ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଅତୀତରେ। କପିଲ ଦେବ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଜଣ ବଡ ବଡ ପେସ୍ ବୋଲର ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ସକାଶେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି 3-4 ଲୟରେ ଥିବା ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପେସ୍ ବାହିନୀ ଆମ ପାଖରେ ଅତୀତରେ କେବେ ନଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଦଳ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପିଚ୍ରେ, ଯୋଉଠିକି ଟିକେ ସହାୟକ ହୁଏ ପେସ୍ ବୋଲିଂ ସହାୟକ ପିଚ୍ରେ, ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ କରବା ମର ସ୍ଥିତି ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସକାଶେ। ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଯେତେବେଳେ 100ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ, ଥାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଏଇ ସିରିଜ୍ର ଯେତେବେଳେ ହବ 11 ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର 100ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ଏଇଠି ତାଙ୍କର 99ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ତେଣୁ 99ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ
सीरीज विजयी करै पारंती भारतीय दल को एवं 100 तम टेस्ट आखिला बेलु को प्रदर्शन रही तेज बहुत बहुत धन्यवाद संबित महापात्र क्रीड़ा समीक्षक आम सहित फोन लाइन जो जोड़ी आलोचना कर समय सरी बुलेटिन को विदा दिंतु नमस्कार।